नमस्कार, न्यूज़मैन लाइव में आपका स्वागत है। मैं नगेंद्र जम्वाल। आप देख सकते हैं कि मेरे साथ NHM नेशनल हेल्थ रूलर जो थे यहाँ पे एम्प्लॉयज़ पिछले 29 दिन से यहाँ पे स्ट्राइक पे बैठे हैं, लेकिन 3 दिन से ये हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। ये 5 लोग हैं हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। ये अब जिद पकड़ के बैठे हैं कि जब तक इनकी डिमांड जो रेगुलराइज की डिमांड है वो पूरी नहीं की जाती, ये हंगर स्ट्राइक से नहीं उठेंगे। मेरे साथ हैं रोहित सेठ जो इनके प्रेसिडेंट हैं, इनसे बात करते हैं। रोहित जी, आप मुझे ये बताएं, 3रा दिन हो गया है, आपने ना खाया ना पिया है, अपने साथियों के साथ यहाँ बैठे हैं, अड़के बैठे हैं आपकी, अब जब तक आप रेगुलराइज नहीं होंगे आप नहीं स्ट्राइक छोड़ेंगे? हाँ जी सर, जब तक मतलब कि हमारे मसाइल्स का हल नहीं होता तब तक हम मतलब कोई भी हमारे में से खाएगा पिएगा नहीं, जो 5 लोग हम बैठे हैं। तो ये है कि हमने ये स्टेप मतलब गवर्नमेंट का बड़ा वेट किया, गवर्नर साहब का। हमने सोचा था कि गवर्नर साहब हमें 26 जनवरी को कोई तोहफा देंगे जी, लेकिन ना तो वो तोहफा मिला और ना किसी ने हमारी बात मतलब कि कोई आश्वासन ही मिले हैं जैसे पिछले साल मिले थे। कोई जैसे मैं हर बार कहता हूं कि यहां पे मंत्री आते हैं, MP आते हैं, आपको लॉलीपॉप या चॉकलेट देख के निकल जाते हैं। देखिए, MP साहब आए थे जुगल जी, उन्होंने तो बात छेड़ी थी, लेकिन हमें अब बातचीत नहीं, हमें चाहिए कि हमें दे क्या रहे हैं रिजल्ट बस। बिल्कुल, तो इसलिए हम अब अनशन पे बैठे हुए हैं और हम कोई भी खाना पीना या पानी तक हमने लिया नहीं है और आगे भी नहीं लेंगे। अगर आपके किसी साथी की तबीयत बिगड़ जाती है फिर? देखिए सर, हम मरने के लिए बैठे हैं, जब तक मसाइल्स का हल नहीं होगा हमने जी के क्या करना है? जब हमारा फ्यूचर ही डाक में है हम क्या करेंगे जी के? एक एक एम्प्लॉय तैयार है, मैंने अभी इनको रोका है, अभी 5 जने बैठे हैं और निकल के आएंगे, इनमें से और निकल के आएंगे। अभी आज आपको सपोर्ट करने के लिए टीम जम्मू के यहाँ पे चेयरमैन साहब खुद आए हुए हैं। देखिए, चेयरमैन साहब का हम शुक्रिया करते हैं जिन्होंने अपना मतलब कि सपोर्ट हमें दे रहे हैं और आज खुद यहाँ पे आए हैं सपोर्ट देने के लिए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको लगता है कि इनकी सपोर्ट से आपको कुछ बूस्ट मिलेगा आपकी स्ट्राइक? हाँ जी सर, उम्मीद है कि मतलब कि हमें मिलेगा बूस्ट। और ये है कि अब हमने अपने प्रोटेस्ट को भी तेज कर दिए हैं, अब जैसे हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं, प्रोटेस्ट जो उग्र हो रहे हैं उससे भी और ज़्यादा उग्र होंगे आने वाले दिन में और उग्र होंगे। मैं दर्शकों आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे टीम जम्मू के जो चेयरमैन हैं जोरावर सिंह जम्वाल, वो भी आए हुए हैं, उन्होंने भी यहाँ पे सपोर्ट दे रखी है इन लोगों को। आइए इनसे बात करते हैं कि जी जम्वाल जी, आप मुझे ये बताएं कि आप आज इनको सपोर्ट के लिए यहाँ पे उतर आए हैं टीम जम्मू की तरफ से। देखिए, मुझे याद है आज भी ऑलमोस्ट 3 साल पहले इन्होंने अपनी ये जायज़ डिमांडें जो हैं वो शुरू की थी और तब से टीम जम्मू इनके साथ शाना बशाना खड़ी है। और आज हमें यहाँ पर जब हम आए हैं उसकी वजह ये है कि ये जो पीसफुली स्ट्राइकिंग हमारे भाई और बहन हैं और इनकी जायज़ डिमांडें हैं, जब इन्होंने इतना बड़ा फैसला ले लिया कि यहाँ पर मरण व्रत पर जो है बैठे हैं, तो हमसे रहा नहीं गया, हम अपने भाई और बहनों के लिए पूरी सपोर्ट, अनकंडीशनल सपोर्ट के लिए आए हैं, क्योंकि इनकी डिमांड्स बिल्कुल ही जायज़ है। और मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ कि एक ह्यूमन राइट वायलेशन है कि जिस तरीके से जितना काम ये करते हैं और जिस तरीके से इनको तनख्वाहें मिलती हैं वो भी कई बार किस्त दर किस्त में, ये अपने आप स्टेट को हर बार नंबर वन यही लोग लाते हैं हेल्थ में। ये ना सिर्फ स्टेट को नंबर वन लाते हैं, लेकिन अगर आप इनकी भी कंपैरेटिव स्टडीज़ करेंगे तो जो रेगुलराइज्ड एम्प्लॉयज़ हैं वो दूर दराज इलाकों में काम नहीं इतना करते हैं जितना ये NHM के अंडर कर रहे हैं। ये अपने आप में इंसानियत की अगर तरफ देखें तो समाज में बहुत आउट ऑफ द वे जाकर जो मैं समझता हूँ कि ये काम कर रहे हैं, लोगों की जो ज़िंदगी, जो बीमार हैं उनको ठीक करने में मदद करते हैं। तो इनकी डिमांड्स जो हैं वो प्रायोरिटी पे गवर्नमेंट को रखनी चाहिए थी, पर कहीं ना कहीं इनकी पिछले कई वर्षों से अनदेखी होती आ रही है। और मैं समझता हूँ कि अगर ये इसी तरह आज भी राज्यपाल शासन में भी, जहाँ पर हम बड़ी बड़ी बातें सुन रहे हैं, गुड गवर्नेंस की बात सुन रहे हैं, सबको इक्वल जस्टिस की बात सुन रहे हैं, तो आज NHM एम्प्लॉयज को क्यों नहीं वो जस्टिस मिल रहा है? हमारी ये जो है एक सिंपल सा क्वेश्चन है महामहिम सत्यपाल मलिक जी से कि अगर आप बाकी जगह पे बड़ी बातें कर रहे हैं तो ये जेन्युइन डिमांड्स अभी तक आपने जो है क्यों नहीं मानी है? जबकि अभी मेरी बात हुई है इनसे, रोहित सेठ जो इनके प्रेसिडेंट है, इन्होंने कहा है कि हम हर बार उनसे मुलाकात भी की है, काफ़ी जो मंत्री रह चुके हैं उनसे भी बात की, MLAs थे जो कंसर्न, MP उनसे भी बात की, लेकिन हर बार इनको लॉलीपॉप या चॉकलेट ही थमा दिया जाता था। देखिए, अब जिस तरीके से आप हालात रियासत जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं, ये पिछले कई सालों से हम भी देखते आ रहे हैं
कि चाहे वो कश्मीर डिवीज़न है, पुंछ है, डोडा है, रजौरी है, जम्मू है, कठुआ है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की एक पॉलिसी रही कि आप जस्ट एश्योरेंस दीजिए चंद महीने निकलेंगे तो दे आर जस्ट पासिंग बक्स, तो वो ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है। अब आप देख रहे हैं जिस तरीके से हमारी बहनें यहाँ पर धरने पे हैं, उनके साथ बच्चे धरने पे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी राष्ट्रवादी सोच रखने वाला इंसान घर में बैठेगा। आज वक्त तो ये है कि ये NHM लड़ाई नहीं लड़ रहा है, ये एक नेशनल हेल्थ मिशन के चंद 9000 भाई और बहन लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि सारे वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं जो नजायज़ के आगे झुकते नहीं हैं और अपना हक लेके रहते हैं। मैं आपके माध्यम से जो लोग ये सोचते हैं कि एक डिपार्टमेंट की लड़ाई है, इसको ये मत सोचिए, ये पूरे रियासत के नौजवानों की लड़ाई है, और इस लड़ाई को हम तभी कामयाब कर सकते हैं जब एक एक घर से, जिस तरह टीम जम्मू का वॉलंटियर इनके साथ जुड़ा है, उन सबको भी इनके साथ जुड़ना। रावर जी, एक प्रश्न ज़रूर उठाऊँगा मैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर की बेटियाँ बैठी हुई हैं। मोदी साहब का एक स्लोगन था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों का हर एक हक वो प्रदान करो जो बेटों को दिया गया है। क्या उनको ये बेटियां नज़र नहीं आती, कहीं बहुएं तो नहीं लगती हैं उनको कि ये बहुएं हैं इसलिए इनसे भेदभाव करो? देखिए, बेटी और बहुओं में कोई आज के वक्त में ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन आप बात माननीय प्रधानमंत्री जी की करते हैं, मैं बात माननीय राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी की करता हूँ। वो तो हज़ारों मील दूर दिल्ली में बैठे हैं, ये तो चंद किलोमीटर दूर इस धरने से बैठे हैं। क्या उनको ये हमारी बहनें, उनके साथ बच्चे नज़र नहीं आ रहे हैं कि एक वक्त में एक माँ अपने बच्चों का भी ध्यान रख रही है और दूसरी तरफ समाज कल्याण में भी है, तो इनकी डिमांड्स को कहाँ वो समझते हैं कि नाजायज़ है? ये जो चीज़ है ये ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है, ये इनका हक बिल्कुल जायज़ है। अगर मांग के नहीं मिला तो हम सब लोग छीन के अपना हक लेंगे। अब टीम जम्मू का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप हमारा नहीं है, जो हमारे भाई और बहन यहाँ बैठे हैं जो ये फैसला लेंगे, हमने पहले दिन से इनको कहा है कि हम आपके साथ हैं, क्योंकि आपकी एक भी डिमांड जो है मुझे नहीं कहीं लगता कि कोई नाजायज़ है। और ये जैसे मैंने पहले भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट की भी डायरेक्शन है, उसकी भी अवहेलना हो रही है। इक्वल वर्क इक्वल पे की अगर बात करें तो जहाँ पर आपके परमानेंट जो रेगुलर स्टाफ है वो जिस किस्म से आप उनका वर्किंग देख रहे हैं, जितना काम ये लोग कर रहे हैं इंसानियत के लिए कर रहे हैं, अपने लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन जिस तनख्वाह पे ये काम कर रहे हैं, कौन जाएगा आज इतने कम तनख्वाह में, आज जहाँ बर्फ़ पड़ी है वहाँ पे काम करेगा? कौन जाएगा कंडी बेल्ट की बनी बसोली और मछेड़ी के तरफ? कौन जाएगा बफलियाज की तरफ? कौन जाएगा डोडा के वाडवन की तरफ? कौन जाएगा आज कश्मीर में जहाँ इतनी बर्फ़ पड़ी है? ये लोग अगर इतना काम कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि बड़े शर्म से कहना पड़ता है, जैसे आपने बात की कि जब इन्होंने डिमांड रेज की थी तब इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, इन्होंने ही बनाए हुए अपने इलेक्टेड गवर्नमेंट के जो MLAs थे उनको पावर में बिठाया, आज वो भूल गए। अगर आप इनकी जो बात है अगर आप देखें तो 55 से 60 करोड़ रुपया गवर्नमेंट का शेयर है स्टेट गवर्नमेंट का, तो अगर आप उन लोगों ने जिन्होंने 3.5-4 साल यहाँ पर राज किया उनकी आप एक्सचेकर की उनके खर्चों की लिस्ट निकालेंगे तो वो 100 करोड़ से ऊपर है हर साल की, तो क्या वो इनके वोट लेके अपनी लग्जीरियस लाइफ जी रहे हैं? और ये कब तक होगा? आने वाले दिनों में चुनाव है, मैं आपके माध्यम से उनको भी ये कह रहा हूँ और इन भाई बहनों को भी कहूँगा कि अब ऐसे लोगों को आप पावर में मत भेजना जो आपको वहीं जाके बेच के आएंगे और आपकी नज़रअंदाजी करेंगे, ये ज़्यादा देर चलने वाली बात नहीं रहेगी। जी बिल्कुल, जिस तरह से इन्होंने कहा कि अब आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव सर पे हैं और अब ये लोग फैसला करेंगे कि चुनावों में किनको चुनना है किनको नहीं, आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे यहाँ पे 1000 की संख्या में कम से कम NHM एम्प्लॉयज़ होंगे, ख़ासतौर पर ये जो जम्मू कश्मीर की बेटियाँ हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर बैठी हुई हैं। डिमांड एक ही है रेगुलराइज़ की, लेकिन रेगुलराइज नहीं किया जा रहा, कारण वो अब गवर्नर महोदय ही बता सकते हैं, उनसे ये प्रश्न उठता है। फिलहाल न्यूज़ पॉइंट से मैं नगेंद्र जम्वाल लूँगा आपसे इजाज़त, देखते रहें बने रहें हमारे साथ, फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया। हमारे